मैं आयशिका और आप देख रहे हैं अभी हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम पहुंची है भगवतीपुर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिसको आपको हम बताना चाहेंगे कि आप पीछे हमारे देख रहे होंगे कि ये जो कैंपस है उसको खाली मतलब पानी से ये भरा हुआ गंदगी भी है एक तरीके से। और ये कैंपस को अच्छी तरीके से बिल्ड होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और ऐसी बंजर पड़ी हुई है ये स्थिति। आप पीछे भी देख रहे होंगे हमारे की कई बिल्डिंग जो है वो ऐसी ही खंडर पड़ी हुई है। और आप सोचिए कि यहाँ पे जो मेनली इलाज होता है वो डिलीवरी का होता है, यानी महिला के जो बच्चे जो होते हैं वो यहीं पे डिलीवरी किए जाते हैं। और ये मुख्य जो है झंझारपुर मधुबनी को जोड़ती है, तो आप सोचिए कि यहाँ से झंझारपुर से यहाँ पे 7-8 पंचायत भी जुड़ी हुई है, वहाँ से जो लोग आते होंगे तो उन लोगों को यहाँ पे उन सुविधाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, वो आगे की रिपोर्ट में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कुछ लोगों से, तो उन लोगों से ये मालूम चला कि यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर है और एक मेल डॉक्टर है, और फीमेल डॉक्टर जो है वो छुट्टी पे गई हुई है और यहाँ पे मेल डॉक्टर अभी सिर्फ अवेलेबल है। और आप खुद स्थिति का जायजा लीजिए कि अगर फीमेल डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पे जो पेशेंट्स आती होंगी महिलाएं, उन्हें किस तरीके की तकलीफ फेस करनी होती है। बहुत सारी महिलाएं जो गाँव की होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है कि वो मेल डॉक्टर से कैसे बात करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे चैनल से यही अनुरोध है कि यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर को जल्द से जल्द हायर किया जाए ताकि जो महिलाएं पेशेंट्स आती हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। संकेत कुमार नायक। आप कौन से गांव से आए हैं? भगवतीपुर है। किस कार्य से आप इधर आए हैं? वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, थर्ड डोज। अच्छा, थर्ड डोज के लिए आए हैं। कैसी व्यवस्था लगी अभी आप आए यहाँ? तो यहाँ ठीक है, हम आज तक दूसरा डोज भी लिए थे, पहला डोज भी लिए थे, सब यहीं से हमको मिला था, तो ठीक है। खबर होता है बाजार में है लोकल आदमी, हम लोग को खबर हो जाता कि सर आज वैक्सीन पर ले लीजिए, आधार कार्ड लेके चले आते हैं। टाइमली आते हैं तो आप लोग को मिल जाता है? मिल जाता है। जी जी, हमको प्रॉपर अभी तक कोई शिकायत है भी नहीं यहाँ, जो है जैसे है सर सब देख लेते हैं, कोई तरह का कोई चर्चा नहीं होता बाजार उजार में यहाँ का, तो काम हो जाता है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ पे पेशेंट्स मेनली कौन किस उपलक्ष्य में आते हैं, मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ, किस तरह का इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ पर सब इलाज होता है, डॉक्टर आते हैं, अभी तुरंत गए हैं डॉक्टर। कौन से पेशेंट ज्यादा? बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया सब आता है। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर धीरज कुमार सिंह। वो कितने बजे आते हैं अभी? 9:30-10 में पहुँच जाते हैं। उनका टाइमिंग आप बता सकती हैं कितने बजे से कितने बजे तक वो अवेलेबल रहते हैं? 2 बजे तक रहते हैं। 2 बजे तक रहते हैं। कभी पेशेंट आ गया तो 2:30 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है, पेशेंट पर निर्भर करता है। टाइमली आते हैं वो? हाँ, टाइमली आते हैं। जिनका उनका 3 दिन उनको पंडोल है और 3 दिन यहाँ। अच्छा, सप्ताह में 3 दिन आते हैं? हाँ, 3 दिन रहते। कौन कौन से दिन आते हैं? बुधवार हुआ, शनिवार हुआ और सोमवार और मंगल, वहाँ ड्यूटी है उनका, और बृहस्पतिवार को भी आ जाते हैं, फिर परसों आवेंगे बृहस्पतिवार को। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ झा है। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। तो एक बात बताइए, भगवतीपुर में जो आयुष्मान भारत नाम का ये संस्था जो खुला है, तो यहाँ पे मेनली क्या क्या कार्य होता है? आयुष्मान भारत में केवल 24 घंटा डिलीवरी हो रहा है। क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है? सुविधाएं लगभग थोड़ा बहुत सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर का कमी है। डॉक्टर की कमी। तो इसको मधुबनी में यानी पंडोल में जो खोला गया है इसको, तो इसको अगर और डॉक्टर्स बढ़ा दिए जाएंगे तो ये मधुबनी में और यानी पंडोल स्थित जगह पे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट, बहुत अच्छा जगह है। मधुबनी और झंझारपुर के बीच में ही हॉस्पिटल है भगवतीपुर, उधर राजनगर और उधर सरसोपाही, चारू के रेंज में बीच में पड़ता है भगवतीपुर। अगर यहाँ डॉक्टर समुचित रूप से रहे तो ये हॉस्पिटल का बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ की जनता, 5-7 पंचायत की जनता इस हॉस्पिटल से लाभान्वित हो सकते हैं। कितने डॉक्टर अभी फिलहाल यहाँ पे? फिलहाल अभी 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर थे,
एक जेंट्स और एक लेडीज, तो धीराज जी अभी आ रहे हैं, उनको पंडोल भी ड्यूटी दे दिया गया है। सप्ताह में वो एक रोज ड्यूटी करते हैं तो दो रोज उनको ऑफ रहता है, नाइट ड्यूटी में दो रोज यहाँ भी आके करते हैं। और लेडीज डॉक्टर जो है सो छुट्टी लेके लगभग 2 महीना से वो गोल है, वो नहीं आ रही हैं अभी। एक बात बताइए कि यहाँ पे जो मेनली डिलीवरी का किया जाता है, यहाँ पे तो ज्यादातर महिला के ही, महिला डॉक्टर के ही साथ सुरक्षित महसूस करती है, उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि जिला प्रशासन को यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर को हायर करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। जब वो डॉक्टर इतना लंबा छुट्टी में चली गई है तो उनके स्थान पर में दूसरा डॉक्टर यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए। हम लोग तो सिविल सर्जन से यही मांग करेंगे जो यहाँ जो डॉक्टर का कमी है वो डॉक्टर पूरा करे, जिससे डिलीवरी सेंटर भी डिलीवरी भी अच्छा ढंग से हो, और हाँ और यहाँ का जो पेशेंट दिखाने के लिए आता है उसका भी कल्याण हो। दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हक है। ये आप कहाँ से आए हैं? यही मेरा घर है, भगवतीपुर। यही पे घर है। आप एक बात बताए कि आप रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं, तो है। उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे तो बहुत चलता होगा, तो उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किया गया है आपके प्रेजेंस में? हमारे प्रेजेंस में काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, मगर बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है जनता को, कुछ बाकी है जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है। और अपने परिवारी से मैं कह चुका हूँ कि इसका काम आप आगे बढ़ाइए। ऐसा हमने एक अभी एक आदमी से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ फीमेल डॉक्टर नहीं है, छुट्टी पे गई हुई है। और यहाँ हालांकि ये बात है कि यहाँ पे जो है महिलाएं का ज्यादा इलाज होती है, यानी डिलीवरी होती है उन लोगों की, और उसके मुताबिक यहाँ पे फीमेल डॉक्टर नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे होना चाहिए ना एक फीमेल डॉक्टर जो इलाज? हाँ, यहाँ जिस तरीके का अभी प्रसूति का केंद्र खुला हुआ है और बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है, कुछ कुछ असुविधाएं हैं जिसको पूर्ति करने के लिए हमारी समिति तत्पर है। और हमारी महिला MBBS जो डॉक्टर थी वो छुट्टी में चली गई है, तो हमारे प्रभारी जो हैं अभी यहाँ के डॉक्टर धीरज साहब और प्रखंड प्रभारी PSC के, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि इसके बदले में कोई दीजिए, चूँकि महिला की बात है, जहाँ तक के प्रसूति का मामला महिला से होता है, महिला सुविधा अच्छा दे सकती है जेंट्स की बनिस्बत, इसलिए हम लोग मांग कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी क्या क्या कमियाँ आपको लग रही है जो यहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ तो बहुत सारी सुविधा है और कमी जो है, नर्स होनी चाहिए, और एक नर्स है, दो नर्स है, और नर्स होनी चाहिए, गार्ड आ चुके हैं, डॉक्टर 24 घंटा है, नर्स होनी चाहिए, गार्ड तो आ चुके हैं हमारे, और हॉस्ट तो सब ठीक होनी चाहिए, बेड वगैरह भी ठीक होनी चाहिए, कुछ बेड वगैरह कुर्सियां वगैरह है। अच्छा, बेड की व्यवस्था नहीं है ज्यादातर नहीं है, और है कुछ है, जो पहले था व्यवस्था वो सब जरा टूट भांग गया, उसकी मरम्मत होनी चाहिए। कितनी नर्स है अभी अवेलेबल यहाँ पर? अभी तो दो नर्स है हमारे पास यहाँ इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भगवतीपुर में, इसके अलावा सब सेंटर है हमारा इर्द गिर्द में, उस सब में भी नर्सें हैं, जरूरत होती है तो उन लोगों को भी मैं बुला के काम करवाता हूँ। वो नर्सेस 24 आवर्स अवेलेबल रहती है? हाँ, वो दो आती है, एक आती है और एक यहाँ 24 आवर रहती है। तो अभी आप लोगों को यहाँ की जो जनता आई हुई थी या जो जो गांव से लोग आए थे, विभिन्न पंचायत से लोग आए थे, उन लोगों से हमने बातचीत की, कोई वैक्सीन डोज के लिए आया था तो कोई पेशेंट्स थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आम जनता भी थी, तो उन लोगों से हमने बातचीत की, तो यहाँ पे ज़्यादातर मुद्दा ये निकल के आया है कि यहाँ पे जो है वो कम यहाँ पे है और उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ानी चाहिए, ताकि जो बाहर से या दूर दराज से आती हैं महिलाएँ उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और फीमेल डॉक्टर को हायर किया जाए। हमारा मेनली यही अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से। इसी तरह आप लोग देखते रहिए हिंदुस्तान। आप हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।